गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 7, क्यूब एंड क्यूब रूट्स. ओके, इन दिस चैप्टर वी लर्न हाउ टू फाइंड क्यूब ऑफ द नंबर्स. ओके, व्हाट इज क्यूब? क्यूब मतलब क्या होता है? व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई इटसेल्फ बाय 3 टाइम्स इट इज कॉल्ड अ क्यूब. ओके, दैट मीन्स कोई भी नंबर को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं उसी से, तो वो क्या कहलाता है? क्यूब रूट. ओके, लुक एट हियर, हियर इज क्यूब ऑफ 1. 1 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स किया तो 1 क्यूब हो गया. 2 का मल्टीप्लाई 2 का पावर 3 लिखा, दैट मीन्स 2 का क्यूब हो गया वो. 8 का पावर 3 लिखा, दैट मीन्स 8 क्यूब. ओके, किसी पे भी अगर पावर 3 होती तो उसको क्यूब पढ़ते हैं. नाउ लुक एट इट्स टेबल, हियर इज द क्यूब नंबर्स फ्रॉम 1 to 15. ओके, ये आपको कॉपी में नोट डाउन करना है और एज इट इज़ आपको लर्न भी करना है. 15 तक के नंबर्स का क्यूब रूट आपको ओरली याद होना चाहिए. लुक एट ये, 1 का क्यूब क्या होता है? 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, एज इट इज़ आपको यहाँ पर 15 तक दे रखा है. ओके, नाउ क्यूब ऑफ द इवन एंड ओड नंबर. एज वी नो, इवन नंबर क्या होते हैं? जो ट्रू की टेबल में आते हैं. अगर हम किसी इवन नंबर का क्यूब निकाल रहे हैं तो उसका लास्ट जो यूनिट नंबर है वो इवन नंबर ही आएगा. इज इट क्लियर? 2 का क्यूब निकाला तो 8 आया, ये तो एक ही नंबर है इसलिए यहाँ पे ये इवन नंबर आया. 4 का क्यूब निकाला तो 64 आया, देखो लास्ट डिजिट है वो इवन नंबर है. 6 का क्यूब निकाला 216 आया, लास्ट डिजिट इसकी इवन नंबर है. एज इट इज़ अगर हम ओड नंबर का क्यूब रूट निकालते हैं तो वो भी ओड ही आएगा, लास्ट जो यूनिट नंबर है वो ओड ही आएगी. इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, वंस डिजिट ऑफ क्यूब नंबर्स. ठीक है, बिना आपको फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किए हम कैसे क्यूब रूट फाइंड करें? लास्ट नंबर को देख के, यूनिट डिजिट दैट मीन्स लास्ट वंस प्लेस पे जो नंबर है उसको देख के. ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद होना चाहिए. क्यूब्स ऑफ द नंबर एंडिंग विद द डिजिट 0, हाईलाइट दिस नंबर्स 0, 1, 4, 5, 6 and 9. ओके, अगर क्वेश्चन में आपके चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, लास्ट जो यूनिट की डिजिट है दैट मीन्स वंस के प्लेस पे 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होगा, तो जब हम उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो लास्ट यूनिट नंबर उनका एज इट इज़ वही रहेगा. दैट मीन्स 0 का लास्ट नंबर 0 ही रहेगा, 9 का लास्ट नंबर 9 ही रहेगा, 5 का लास्ट नंबर 5 ही रहेगा, 4 का 4 ही रहेगा और 1 का 1 ही रहेगा. ये कुछ नंबर्स हैं. ओके, बिना प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपको पता लगाना है कि क्यूब रूट का लास्ट यूनिट नंबर क्या होगा तो आप इन नंबर्स को देख के पता लगा सकते हैं. ओके, एज इट इज़ नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्यूब ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द नंबर्स एंडिंग विद द डिजिट 2 एंड विद द 8. ओके, दैट मीन्स अगर हम 2 वाले नंबर का 2 का क्यूब रूट निकालेंगे तो उसका लास्ट नंबर है वो 8 आएगा, और 8 का निकालेंगे तो लास्ट नंबर क्या आएगा? 2. ओके, क्लियर है? ये दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं. 2 का रूट निकाल रहे हैं तो 8 आएगा, और 8 का रूट निकाल रहे हैं तो 2 आएगा. एज इट इज़ अगर हम 3 का रूट निकालेंगे तो 7 आएगा, और 7 का निकालेंगे तो 3 आएगा. इज इट क्लियर? ओके, लास्ट यूनिट नंबर. अब अगर कोई नंबर है वो फ्रैक्शन में है, दैट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो नंबर दे रखे हैं और आपको उसका क्यूब रूट निकालना है, तो आप उसको 3 टाइम्स लिख के एज इट इज़ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं क्यूब रूट. इज इट क्लियर? नाउ वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 7.1. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वंस डिजिट इन द फॉलोइंग क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर. दैट मीन्स लास्ट वंस का डिजिट फाइंड करना है आपको, जो हम अभी हमने सीखा है. लुक एट हियर, हियर इज 5331 नंबर, इट लास्ट यूनिट नंबर इज 1. सो हमने क्या अभी पढ़ा था कि 1 अगर है लास्ट में यूनिट नंबर है तो आंसर भी क्या आएगा? 1 ही आएगा. तो लिखने का तरीका क्या होगा उसको? सिंस द गिवन नंबर हैज़ इट्स यूनिट्स प्लेस डिजिट एज 1. ओके, आपको सारे क्वेश्चंस में लैंग्वेज सेम ही लिखनी है, बट यहाँ पे नंबर चेंज हो जाएगा. 1 है तो इट्स क्यूब विल एंड विद द यूनिट डिजिट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन 1 × 1 × 1 = 1. ओके, लास्ट यूनिट का क्यूब करेंगे तो भी 1 ही आएगा. एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 2, 3444. हियर इज लास्ट यूनिट नंबर इज 4. सो 4 का भी 4 ही आता है तो आंसर क्या आ जाएगा? इसका भी 4 ही आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद ट्राई करना है. एज इट इज़ इन अगर 9 है लास्ट में तो इसका 9 का भी क्यूब रूट है वो 9 ही आएगा. सो राइट डाउन इट्स लैंग्वेज अगेन एंड कंप्लीट दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4,
अगेन लास्ट नंबर 5 है तो 5 का भी 5 ही आएगा. सो यू ट्राई योर सेल्फ. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 4257. ओके, 7 है लास्ट में, तो हमने पढ़ा था कि 7 का क्यूब रूट क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 का क्यूब रूट क्या आएगा, 7 आएगा. तो बताओ मुझे बिना क्वेश्चन को लिखे 7 का क्यूब रूट क्या आएगा, 3. यस, इट इज़ राइट आंसर, 3. ओके, लुक एट हियर, 7 का क्यूब रूट निकाला तो 343 आया, और लास्ट यूनिट डिजिट है वो 3 ही आई. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. ओके, यहाँ पे आपको स्क्वायर नहीं निकालना है, क्यूब ही निकालना है. ओके, क्यूब दैट मीन्स किसी भी नंबर की पावर 3 होती है, इसको क्यूब बोलते हैं. लुक एट हियर, फर्स्ट किसका निकालना है हमको, 12 का. तो 12 की पावर कितना हो जाएगी, 12 की पावर 3. दैट मीन्स 12 को हमको 3 टाइम्स लिखना है. 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, वट इज़ दिस, 1728. ओके, मल्टीप्लाई आपको आता है इसलिए आप उसको खुद ही सॉल्व कर सकते हो. सेकेंड थर्ड एज इट इज़ हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं जिसको आपको खुद सॉल्व करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, -21. लुक एट हियर, अगेन -21 की पावर कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी. तो 3 टाइम्स लिख दिया इनको. अब यहाँ पे देखिए कि अगर क्वेश्चन में माइनस साइन दे रखा है और अगर वो ओड नंबर में, देखो यहाँ पे कितने माइनस है, 1, 2, 3. 3 क्या है, ओड नंबर है, तो आंसर्स में आपका माइनस लगेगा. अगर यहाँ पर माइनस है वो इवन नंबर में होते, दैट मीन्स 1, 2, 2 ही होते, तो ये नंबर क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता. इज इट क्लियर? ओके, सो आवर आंसर इज -9261. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इट इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6, 0.06. ओके, लुक एट हियर, इट इज़ डेसिमल नंबर. ठीक है, डेसिमल नंबर है. हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 0.6 × 0.6 × 0.6 क्यूब रूट निकालना है, इसलिए हमने इसको 3 टाइम लिख दिया. 6 6 36 एंड 36 6 216 आया. अब लुक एट हियर, ये डेसिमल नंबर है तो हमने इसका पॉइंट हटा के नीचे 20 लगा दिया. क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर कितना नंबर है, 2 नंबर्स है. सो वी राइट हियर 20. सेम मेथड वी विल फॉलो इन ऑल 3 नंबर्स. ओके, देन 216 हमारा मल्टीप्लीकेशन आया. अब टोटल जीरोस कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6. दैट मीन्स पॉइंट कितने नंबर के बाद लगेगा, 6 नंबर के पास. वी हैव ऑलरेडी 3 डिजिट्स. ओके, यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट्स ऑलरेडी है, तो हमको इसको 6 बनाने के लिए हमने क्या किया, 3 जीरोस लगा दिए, देन डेसिमल पॉइंट का डेसिमल पॉइंट लगा दिया. सो आवर आंसर इज 0.000 0.000216. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, इट इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन. एंड क्वेश्चन नंबर 8, लुक एट हियर, अगेन इट इज़ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन आया है, व्हाट वी कैन डू, अगेन राइट डाउन 3 टाइम्स, क्यूब निकालना है इसलिए 3 टाइम लिख दिया. देन 4 4 जो 16 एंड 16 4 जो 64. सो राइट डाउन 64, 9 9 जो 81 एंड 81 9 जो 729. सो वॉट इज अवर आंसर, 64 upon 729. क्वेश्चन नंबर 9 and 10, अगेन इट इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, चेक द फॉलोइंग नंबर वेदर द ईच ऑफ देम इज़ अ परफेक्ट क्यूब और नॉट. ओके, आपका ये मिस प्रिंट है बुक में, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, लेकिन हमारी ये यूनिट क्यूब की है इसलिए यहाँ पे आप क्यूब लिख देना, और इसमें हमको आप फाइंड करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है. ओके, फॉर फाइंडिंग ए परफेक्ट क्यूब वी यूज़ अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, हमको परफेक्ट क्यूब फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. दैट मीन्स जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम उसके फैक्टर्स निकालेंगे, देन हम उसको ट्रिपलेट करेंगे. ट्रिपलेट करना मतलब उसके 3-3 के पेयर्स बनाएंगे. ओके, अगर 3-3 के पेयर्स बन जाते हैं दैट मीन्स इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब, और अगर 3-3 के पेयर्स ट्रिपलेट नहीं बनता है दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब. ओके, सो वी स्टार्ट अवर क्वेश्चन, 2700. लुक एट हियर, 2700, 0 है लास्ट में, इवन नंबर है, दैट मीन्स वो 2 से जाएगा. 2 के टेबल से हमने इसको पूरा फैक्टराइजेशन किया, 2 से किया, 3 से किया, 5 से किया, ये फैक्टराइजेशन आप लोगों को आता है इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. ओके, देन वॉट इज़ द फैक्टर ऑफ 2700, 2 2 3 3 3 5 5. लुक एट हियर, हियर इज द पेयर ऑफ 2-2 नंबर्स. ओके, हमको यहाँ पे 2-2 के नंबर चाहिए थे, बट यहाँ पर 2-2 के पेयर्स बन रहे हैं. हमको कितने के चाहिए थे, क्यूब, दैट मीन्स 3-3 के ट्रिपलेट्स के पेयर चाहिए थे. ओके, सो यहाँ पर हर में 1-1 नंबर मिसिंग है, खाली यहाँ पर 3 का ट्रिपलेट बन रहा है. लुक एट हियर, 3 का बन रहा है बट 2 का और 5 का नहीं बन रहा है. सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब. ओके, एज इट इज़ हम सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट हियर, ठीक है, 16000 का अगेन मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकाला. आफ्टर फाइंडिंग फैक्टर्स वी
मेक अ ट्रिपलेट्स. ओके, हमने यहाँ पर ट्रिपलेट्स बनाए थ्री थ्री नंबर के. लुक इट, ये टू थ्री टाइम्स है, टू अगेन थ्री टाइम्स है, टू फाइव अगेन थ्री टाइम्स है, बट यहाँ पर टू नंबर मिसिंग है. देखो यहाँ पर टू का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, सो अगेन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, 64,000 का अगेन मैंने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन किया, देन वी मेक ईयर पेयर्स. ओके, ट्रिपलेट्स किया हमने, अगर इनको ट्रिपल थ्री थ्री नंबर का पेयर बनाया, टू का बन गया, देन टू का फिर बन गया, देन टू का अगेन बन गया, और फाइव भी यहाँ पर थ्री टाइम है. देखो यहाँ पे सारे ट्रिपलेट्स बन गए, सारे नंबर्स के, सारे फैक्टर्स के, सो इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब. क्वेश्चन नंबर फोर, अगेन वी टेक अ प्राइम फैक्टराइजेशन. देखो यहाँ पर अगेन हमने यहाँ पे पेयर्स बनाए, नहीं बन रहे, यहाँ पे टू टू के पेयर्स बन रहे हैं, बट हमको यहाँ पर थ्री थ्री के पेयर चाहिए, सो अगेन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब. क्वेश्चन नंबर फोर फाइव, अगेन 125,000 क्वेश्चन है, तो हमने इसका अगेन फैक्टराइजेशन किया, फैक्टर फाइंड किए, और आफ्टर फाइंडिंग फैक्टर वी मेक अ ट्रिपलेट हियर. लुक एट हियर, ये तीनों सारे फैक्टर्स के ट्रिपलेट बन गए, दैट मीन्स इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब. ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स टू एट, फाइव क्वेश्चन मैंने आपको बताया, सो फाइव क्वेश्चन यू ट्राई योरसेल्फ. थैंक यू.